नजदीक आ रहा है तो जल्दी से अभी हम लोग जा रहे हैं दरियापुर और होलसेल मार्केट है वहां पे, तो वहां पे जाके पतंग दोरी सब मिलता है तो वही देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कौन सी वेराइटी इस साल अभी आ रही है। वैसे तो दिवाली नहीं मनाई है, क्रिसमस नहीं मनाई, 31st भी नहीं बनाने दिए गवर्नमेंट ने, लेकिन ये उत्तरायण जो काइट फेस्टिवल है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो आप लोग अगर नहीं मना रहे हो तो भी ये फेस्टिवल जरूर मनाना अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखना। तो चलिए चलते हैं अभी दरियापुर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी वैरायटी की पतंग्स मिलती है। ये राउंड शेप में है, ये रॉकेट शेप में है, ये चील शेप में है, कागज की, पन्नी की, बहुत सारी यहाँ पे वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पतंग बनाने का भी कारखाना है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे देख सकते हो कि ये भाई पतंग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो कैसे बनता है, इस तरह से सलिया वगैरह जो होती है वो ऐसे होती है, बाद में उसका कटिंग वगैरह होता है। ये देखिए विक्रम ठाकुर का पतंग है, ये हमारे गुजराती कलाकार है। देखिए कितनी स्पीड में यहाँ पे पतंग बन रहे हैं। पुलिस बंदा तो बहुत हो गया। सैनिटाइजर मास्क जरूरी। अब्बर पे पॉइंट बिठाएंगे सामने। तो भाई आज हमको बताएंगे कि पतंग कैसे बनता है, तो भाई शुरू कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अब्दुल अमीन। कितने साल से आप काम कर रहे हो? लगभग 14-15 साल की उम्र थी तो इसकी पतंग का काम। बराबर है। तो किस तरह से पतंग बनता है यहाँ पे आप हमको दिखाओगे जरा? जो है ये पॉलिस्टर पेपर आता है, उसके बाद जो है प्रिंट का मास्क होता है, मास्क छपने के बाद कटिंग का कारीगर कटिंग करता है। बराबर। ये जो है अड्डे लगवाते हैं। बराबर। फिर वो जो हमारे भाई है ना, वो
और कमाल लगाते हैं। बराबर कमाल लगने के बाद ये भाई चिपके लगाते हैं। बराबर है। उसके बाद में माल पैकिंग होता है, फिर उसके बाद जो है सेलिंग होता है। बता दे माल सेलिंग होता है। तो आप यहीं से रिटेल करते हो कि होलसेल? नहीं, हम लोग रिटेल नहीं करते, हम लोग 1000 के अलावा पतंग नहीं बेचते, होलसेल होलसेल ही है। बराबर है। तो इस साल का कैसा रिस्पांस है 2021 का कोरोना की वजह से? जो कोरोना था वो 3 महीने गैप हो गया, पतंग बनी नहीं। बराबर। फिर उसके बाद जो अपने गुजरात में जो माल बनता था थोड़ा शॉर्ट हो गई, काम अच्छा चला। अच्छा चलिए, अच्छा है तो ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। शुक्रिया। अंदर बड़ा मोटा मोटा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पतंग अवेलेबल है, तो रेगुलर साइज से थोड़े बड़े साइज के पतंग है। अगर आपको बड़े पतंग लेने हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये देखिए, ये कोरोना स्पेशल पतंग, देख सकते हो कि जो कोरोना का हमको दिया हुआ है उस तरह का आपको यहाँ पे पूरा मैसेज वाला पतंग है। जो बका कोरोना थी डरू नहीं, सोशल डिस्टेंस राखू, कीप सोशल डिस्टेंस। तो ये हमने फारूक भाई ने पतंग पकड़ा है, देखिए कितना बड़ा है, उनकी साइज से भी बड़ा है, पूरे कैमरे में भी नहीं आ रहा है। ये काफी बड़ा पतंग है ये। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है पतंग की।